सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर। अपना परिचय आप दीजिए। परिचय ये है कि मेरा जयपुर के पास में ही गांव है। हाँ जी, प्रेमनगर बूरथल जी। और हम फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी का काम वही है हमारा। तो ये पुश्तैनी जमीन पे आपने बनाया हुआ है रोहन जी? बिल्कुल, पुश्तैनी जमीन पे बनाया हुआ है हमारा। ठीक है सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। हाँ, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशन है, मैं निम्स यूनिवर्सिटी से BPT कर रहा हूँ जी। और साथ में बकरी पालन भी कर रहे हैं? साथ में बकरी पालन भी कर। सर मैनेज कैसे करते हो, पढ़ाई और बकरी पालन साथ साथ में? बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। मुश्किल है, लेकिन जैसे अभी एग्जाम वगैरह ये लग गई तो थोड़ा टाइम इनको भी दे देते हैं, कॉलेज भी जाए जाते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं एडजस्ट हम। सर आप ऐसे युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं पढ़ाई कर लूँ या पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। देखो, करना तो खुद को पड़ेगा, पढ़ाई भी करो, काम भी करो, कुछ भी करो, वो जो करना पड़ेगा, जो अपने को अपने ऊपर निर्भर करता है वो जी। आइए सर, आपका फॉर्म हम देखते हैं। चलो चलिए देखिए ये गाड़ी। सर अभी आपने देखा है कि शूट से पहले यहाँ पे आपने मिनरल मिक्सचर और फीड वगैरह आपने यहाँ पे मिनरल मिक्सचर, अभी जो गंवार का चारा जी, जो बाजरा मक्का सब डालते हैं, इनको टाइम टू टाइम डालना पड़ता है। ये हमने रंजगा बो रखा है यहाँ, ये ट्रैक्टर से मशीन से ये रंजगा वगैरह ये काटते हैं हम जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आइए आपको मैं बता देता हूँ। सर बहुत ही वेल मेंटेन ये फार्म मुझे लगा आपका। नहीं नहीं, वो तो और बड़ा डिसेंट फार्म है सर। ये तो है बकरियाँ। हाँ जी, ये वाली। अच्छा, ओ इनको पार्ट बकरियाँ बोलते हैं इनको। पार्ट समझाइए सर, पार्ट क्यों? पार्ट ये है कि ब्याने, मतलब वो जो क्रॉसिंग के लिए जाती है ना, उससे पहले जो मतलब तैयारी जो होती है, तैयारी होती है जो साल भर पहले की, ये वो है। अच्छा ठीक है जी, आइए चलिए पहले एक बार फार्म ही देख लेते हैं, फिर आपका थोड़ा जानकारी लेंगे आपसे। ये आपका पार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, अलग क्या भी ना हो गया। ये अलग है इनका छोटो। अच्छा, फिर ये आ गई बड़ी बकरियाँ। अच्छा अच्छा, ये बड़ी हो गई हैं। ये प्रेग्नेंट है सर? ये नहीं, बच्चे दिए अभी। अच्छा, बच्चे ऑलरेडी ब्याई हुई हैं? ये ब्याई हुई है, इनके बच्चे हो रहे हैं जी। ये सब है तो एक सेक्शन सर आपका ये हो गया, एक ये हो गया और आपका एक ये सेक्शन हो गया। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ अभी फीड में क्या आप दे रहे हैं इनको, बड़ा मैं अलग ही देख रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट आपका फीड का। ये है सोयाबीन। हाँ जी, सोयाबीन, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ऐसे मिक्स करके फिर डालते हैं इनको। तो जैसा जो होता है, जिस स्टेज पे जो एनिमल होता है उसको उसी स्टेज के हिसाब से, जैसे ये प्रेग्नेंट, ये अलग है तो इनको अलग डाला जा रहा है। हाँ जी, इनकी अलग डाइट है जी, वो है तो वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। और ये क्या बकरे हैं सर? ये बकरे हैं जी, और इन बकरियों के लिए ये बकरा लिया है अभी हमने। ये आपका ब्रीडर है? हाँ, ये ब्रीडर है, ये सोजत से लाया हुआ है। तो रोहन जी कैसा काम आपको लग रहा है ये? ये देखो, दिमाग भी ठीक रहता है काम करने में, अपने को कोई वो नहीं है कि अपन नहीं करेंगे, करना है तो करना है, तो नहीं करना तो नहीं करना। तो ये है कि अब हमारा भी थोड़ा रिलैक्सेबल रहता है दिमाग काम करने में इनमें, उधर पढ़ाई भी कर लेते हैं, इधर काम भी कर लेते हैं। तो काम आपका बड़े लेवल पे है? बड़े लेवल पे। तो अभी जॉब वॉब सर्च करेंगे पढ़ाई के बाद या नहीं करेंगे? देखो ये तो कि ये है कि एक बार डिग्री ले ले फिर वो तो बाद में जी, इनसे तो बेटर ही है वो। बेटर अपना खुद का बिजनेस है? हाँ, खुद का ठीक है। तो शुरुआत सर कितनी बकरियों से आपने करी थी? हमने की थी, फर्स्ट टाइम में बकरियाँ नहीं थी हमारे पास, फर्स्ट टाइम में हमारे पास बकरे थे। हाँ जी, तो हमने 150 से शुरुआत की थी हमने। स्टार्टिंग में आपने बकरे रखे सिर्फ, बकरों का कॉन्सेप्ट था? हाँ, बकरों का ही था ओनली। और अभी कितने हैं सर? अभी 90 या 100 के लगभग तो बकरे हैं, और ये 150, ये 120 से 130 के आसपास ये बकरियाँ हैं। और कितना साल आपको हो गया इसको करते हुए? हमारे को ये है, ये 2017 से कर रहे हैं हम। सर बकरी पालन देखने में बड़ा आसान काम लगता है कि बकरियाँ लाओ, खिला दो, डाल दो, लेकिन 80% जो फार्म है वो साल दो साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये नहीं कि अपन दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, वो तो खुद को करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा जो। तो स्टार्टिंग में आपको चुनौतियाँ इसमें क्या क्या आई थी? चुनौतियाँ बहुत सी आई थी, मरे भी थे, बचे भी थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो गया धीरे धीरे, एक्सपीरियंस होता गया और आपने जो काम अपना बढ़ाते रहे। तो मुनाफा कितना ले रहे हैं सर? मुनाफा तो अभी तो अब की बार तो बिके नहीं ये। हाँ जी, अब की बार सेल नहीं हुआ इनका, ये अभी तो मुनाफा तो इतना कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कम है, ठीक ठाक है, सेटिस्फेक्शन है यानी। हाँ, अगर कोई सर अपना इस तरह का काम को शुरू करना चाहता है तो सबसे बड़ी जो समस्या आती होती है मार्केटिंग की आती है सबसे बड़ी। और मैं देख रहा हूँ आपका जो फार्म है एक गांव के अंदर है, गांव के अंदर, कोई कस्बा नहीं है पास में, कोई शहर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वैसा मीट की कोई दुकान भी नहीं है आसपास यहाँ पर।
तो कैसे आपने मार्केट बनाई? मार्केट हमारे से 1 किलोमीटर दूर सरदार जी का फार्म है। हाँ जी। सरदार फार्म हाउस जी, उनके ही टच में हमने सब कुछ कर रखा है। यानी किसी बड़े फार्म से आपने गाइडेंस ली हुई है? बड़े फार्म से, वो हमारे पास में ही 1 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ जी, उनसे करते हैं थोड़ा। वो आपको सेलिंग वेलिंग करा देते हैं? वो करवा देते हैं सेलिंग। अगर कोई नया युवा शुरू करना चाहता है तो मार्केटिंग कैसे करे सर अपनी, कहाँ माल बेचे? मार्केटिंग ये है कि खुद को घूमना पड़ेगा, बिके तो बिके, नहीं भी बिके हो सकता है मंडियों में भी लेके जाना पड़े अपने को। लेकिन हमारे तो क्या है कि वेबसाइट बना ली, सब कुछ गूगल पे, ये हमारा भी धीरे 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 जम गया अब तो काम। और ये ब्रीड सर, ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए, है कौन सी ब्रीड? है ये वाली। हाँ जी, ये सिरोही गुजरी जी। इधर ये, इधर ये भी सिरोही गुजरी है। हाँ जी। और इनके अंदर सोजत भी है। अच्छा, मिक्स है? नहीं, ये सिरोही हो गई। ये सिरोही हो गई और इनके अंदर सोजत भी, हो गई है, वाइट सोजत भी है। वाइट तो इसका चुनाव आपने क्यों किया? इसका चुनाव ऐसे किया कि ये इनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ये अच्छे दिखते भी है, सुंदर भी है, इनका दूध भी ठीक है। तो क्या रेट का माल जाता है सर आपका? ये रेट तो मार्केट के हिसाब से होता है, फिर भी एक अप्रोक्स मुझे बताइए आइडिया, जैसे कितना माल जाता है अप्रोक्स? तो इनका तो पर केजी पे आता है। केजी के हिसाब से जाता है ये? हाँ, केजी के हिसाब से जाता है ये। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है सर इस काम की, तो कैसे शुरुआत करें? मैं देखता हूँ लोग बहुत पैसा लगाते हैं शेड बनाने पे। ये है कि अपने पास खुद की खेती होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला। सबसे पहला जी खुद की खेती होनी चाहिए, खुद का काम होना चाहिए। मिनिमम अपने पास 15 लाख रुपये होने चाहिए इसको स्टार्टिंग के लिए जी। ये छाया भी होगी, छाया भी करवानी पड़ेगी अपने को, इनके लिए खाना भी लाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि पूरा खेत से खिला देंगे अपन। हाँ हाँ, मार्केट से भी लाना पड़ेगा। जैसे अपन ने ये सोयाबीन खिलाई है अभी। हाँ जी। मक्का भी लाते हैं, बाजरा, गेहूं वगैरह, ये सब एक रंजका है अपने घर का। और बाकी जैसे अक्सर लोग बोलते हैं, सुना भी जाता है कि 50,000 से शुरुआत कर लो या 20,000 से शुरुआत कर लो, तो ऐसा कुछ है नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म गेम है आपको, 2-2.5 साल इसमें आपको देने लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आप एक अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हो। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका? बच्चे इधर हैं आपके सारे? बच्चे इसलिए इधर है कि उधर क्या है, बड़े हैं। हाँ जी। तो इनको खाने नहीं देते हैं, तो इनका अलग कर रखा है ये। या छोटे बच्चे हैं? ये छोटे बच्चे हैं, ये आराम से खा लेते हैं यहाँ जी और बैठ जाते हैं। कोई कमजोर होता है उसको भी हम इधर निकाल देते हैं। रोहन जी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी आपके फार्म पे, आपने ना जितने भी आपके एनिमल हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं। हाँ। इधर भी सारे आराम से रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आपने हर चीज को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड किया हुआ है और जगह होनी चाहिए। जगह होनी चाहिए ये थोड़ी, मतलब थोड़ी जगह में नहीं रह सकते ये। यहाँ पे बहुत कम्फर्टेबल ये लोग खा रहे हैं, उधर बड़े खा रहे हैं, उधर जो प्रेगनेंट जो बीआईवी वो जो बकरियां हैं वो सोजत वाली वो भी वहाँ पे खा रही हैं, वो भी ठीक है। और एरिया कैसा आपका पूरे फार्म का? ये एरिया अच्छा है। नहीं कितना एरिया है? अगर एरिया ये, एरिया ये है 1 बीघा का है ये। 1 बीघा में है पूरा? 1 बीघा पक्की का है ये पूरे में। आपने फार्म और प्लस आपका ये हरा चारे का सिस्टम भी आपने यहाँ पे किया हुआ है। क्या कहना चाहते हो सर आप युवाओं को जो इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं? युवाओं का ये है कि ये जो ये लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए जी, गवर्नमेंट जॉब का ये है कि अपन गुजारा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपन आराम से सब कुछ काम कर सकते हैं, अपन घूम फिर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है सरकारी जॉब के अंदर। अपन हाँ जी जिंदगी भर मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, कुछ नहीं हो सकता। और खुद का काम है जो अच्छा भी है, इनकम भी ठीक है, ठीक ठाक है जी। मतलब ये है कि अपना काम अपना ही होता है, अपना काम अपना होता है ये, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लगे ग्रोथ में, लेकिन वो ठीक है, ये सॉलिड काम है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक है, थैंक यू।